स्कूल के टीचर से क्रिश्चियन नाम नेल्सन मिलने से पहले मंडेला का नाम रोहिलहाला मंडेला था। ये नाम उनके पिता ने उन्हें दिया था। रोहिलहाला का मतलब होता है पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला शैतान बच्चा। थिम्बू रॉयल फैमिली में पैदा हुए मंडेला अपने कबीले के मुखिया गेडला हेनरी के बेटे थे। नेल्सन के पिता गांव के प्रधान भी थे। नेल्सन की माँ एक मेथडिस्ट ईसाई थी और कबीले में उनका परिवार समृद्ध माना जाता था। लिहाजा अफ्रीका में अश्वेत लोगों को जो सबसे अच्छी शिक्षा मिल सकती थी वो उन्हें मिली। क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद और दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप की फोर्ट हारे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले नेल्सन शुरू से ही अन्याय के खिलाफ रहे, फिर चाहे वो घर में होने वाला अन्याय हो या मुल्क में। और जिस दौर में नेल्सन जवान हुए वो अश्वेतों के लिए सबसे काला दौर था। छात्र जीवन में ही उन्हें रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा और यहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की और एक युवा मोर्चे की शुरुआत की। 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नेल्सन मंडेला जब जोहानिसबर्ग आए तो उन्हें रंग भेद की नीति का शिकार होना पड़ा। इस रंग भेद नीति के चलते ही उनमें एक क्रांतिकारी का जन्म हो रहा था। नेल्सन ने हेल्थ टाउन में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। यह अश्वेतों के लिए बनाया गया एक स्पेशल कॉलेज था। यहाँ हर जगह उन्हें याद दिलाया जाता था कि उनका रंग काला है, अगर वो सीना तान कर चलेंगे तो उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। 1940 तक नेल्सन अपने राजनीतिक विचारों की वजह से कॉलेज में काफी चर्चित हो गए और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा और उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया। इसके बाद वो घर लौटे तो घर वाले उनकी शादी की तैयारी करने लगे, लेकिन नेल्सन के मन में तो विद्रोह चल रहा था, लिहाजा वो घर से भागकर जोहानिसबर्ग आ गए। इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद एक लॉ फर्म में काम करने के साथ साथ मंडेला ने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की, लेकिन अश्वेत होने की वजह से नेल्सन को नौकरी में हर रोज अपमानित होना पड़ता। 1944 में उन्होंने मित्र वॉल्टर सिस्लू की बहन इवलिन एंतोको मेस से शादी की। इवलिन एंतोको के बाद उन्होंने विनी मंडेला और आखिर में ग्रेसा माशेल के साथ शादी की। कुल मिलाकर उनकी 3 बीवियां थी, लेकिन विनी मंडेला के साथ उनका तालमेल नहीं बैठा क्योंकि वो बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती थी, इसलिए मंडेला ने उनसे किनारा कर लिया था। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की और रंग भेद की नीतियों से पीड़ित अफ्रीका के अश्वेत युवाओं को अपने साथ ले लिया। It was when I came into the African National Congress that I realized that causes are only a part of the African people. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. अपने ही वतन में बरसों से हो रहे तिरस्कार की वजह से जो ज्वाला मन में धधक रही थी उसे चिंगारी मिली 1948 में अफ्रीका में हुए आम चुनावों में, जिसमें सिर्फ श्वेत लोगों को ही वोटिंग का अधिकार दिया गया और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में विद्रोह की रेखा खिंच गई। And I think that we are going to have a better opportunity of mobilizing our people. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily and perhaps much better be described as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस समेत देश के तकरीबन सभी विरोधी पार्टियों ने मिलकर केप टाउन में एक रैली की, जहां से अहिंसात्मक तरीके से स्वराज की मांग की गई। नस्ली भेदभाव से पीड़ित अश्वेत अपना हक छीनने के मूड में आ चुके थे। 1956 में नेल्सन मंडेला को राजद्रोह के लिए दोषी माना गया। अफ्रीका में उन्हें बैन कर दिया गया और उनके विद्रोहियों ने 4.5 सालों तक चली कोर्ट की सुनवाई के दौरान उन्हें इस तरह पेश किया ताकि उन्हें राजनीति से दूर कर दिया जाए। लेकिन मंडेला की नीतियों और उन्हें पसंद करने वालों की तादाद दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रही थी और इन लोगों में मंडेला का दखल भी।
इस दौरान 1960 में रंगभेद के शिकार हजारों लोगों ने मिलकर शांतिपूर्ण विरोध किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में 69 बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी गई और सभी विरोधी पार्टियों पर प्रतिबंध लगाकर हजारों नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। अब तक ये साफ हो चुका था कि शांतिपूर्ण विरोध से देश के अश्वेतों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में सशस्त्र आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा था, लिहाजा इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मंडेला अंडरग्राउंड हो गए। There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. सरकार ने अब विद्रोहियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और मंडेला उनकी आंखों में किसी तिनके की तरह चुभ रहे थे। दो साल बाद गैर कानूनी तरीके से देश छोड़ने के जुर्म में मंडेला को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इस दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंडेला पारंपरिक अफ्रीकी पोशाक में दिखाई दिए। पूरा अफ्रीका हैरान था, लेकिन मंडेला का मकसद ऐसा करके सरकार के अत्याचार का विरोध करना और ये बताना था कि मुल्क हमारा है तो इस पर हक भी हमारा होना चाहिए। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. मंडेला और उनके साथियों के तेवर को देखते हुए बाद में उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर आजीवन कारावास के लिए रॉबिन आइलैंड में भेज दिया गया। You must fight the battle for dignity on the very first day you go to jail. Really? And that's what we did. We put our foot down and insisted in being respected, even though we were prisoners. And we eventually succeeded in that. कैदी नंबर 466 नेल्सन मंडेला को जब आजीवन कारावास के लिए रॉबिन आइलैंड भेजा गया, तब तक उनकी उम्र 46 साल हो चुकी थी और यहाँ उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। उनसे यहाँ शरीर को तोड़ देने वाले काम कराए जाते थे, लेकिन मंडेला को जितना तोड़ने की कोशिश की गई वो उतना ही ज्यादा मजबूत होते गए। यहाँ उन्हें जो प्रताड़ना दी जा रही थी वो उन्हें उनके मकसद में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। इधर मंडेला की गैर मौजूदगी में उनकी दूसरी पत्नी विनी उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी। आंदोलन को 25 साल बीत चुके थे और अश्वेतों के जिस अधिकार की लड़ाई मंडेला लड़ रहे थे वो उनके जेल जाने से धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन पूरी दुनिया में उनके लिए सपोर्ट बढ़ता जा रहा था। लोग मंडेला की रिहाई की मांग कर रहे थे। Is for the people of Britain to register on the widest possible scale their passionate protest against an evil and repulsive doctrine. 1976 में स्कूली छात्रों ने रंगभेद के खिलाफ पूरे देश में पीस मार्च निकाला, लेकिन ये पीस मार्च हिंसक विद्रोह में बदल गया। ये रंगभेद की नीति को हमेशा हमेशा के लिए देश से उखाड़ फेंकने की शुरुआत भर थी। 80 के दशक के आखिर में दुनिया भर में दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया और आखिर यहाँ की सरकार को घुटने टेकने पड़े। नस्ली भेदभाव को बढ़ावा देने वाले सभी कानूनों को खत्म करके अश्वेतों को उनका अधिकार देने की घोषणा की गई और 1990 में 71 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला को रिहा कर दिया गया। By the enthusiasm. It's something I did not expect. And I would be merely rationalizing if I told you that I am able to describe my own feelings.
It was breathtaking. दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले तमाम अश्वेतों ने आजादी की सांस ली, उन्हें भी उनके देश में बराबरी का अधिकार मिला और चार साल बाद इस लॉ को जगाने वाला मसीहा देश का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना। Has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. 1994 से लेकर 1999 तक अपने पूरे शासनकाल के दौरान मंडेला ने देश के कानूनों में रंग भेद की नीतियों को खत्म करने का काम किया और नए संविधान की स्थापना कर इतिहास में हुए तमाम मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच के लिए कमीशन बनाया। अपने शासनकाल के दौरान मंडेला ने भूमि सुधार, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत काम किया। 1999 में आम चुनावों से पहले नेल्सन मंडेला ने राजनीति से संन्यास ले लिया और मंडेला फाउंडेशन नाम की अपनी संस्था के जरिए दक्षिण अफ्रीका के गांव देहातों में स्कूल और क्लिनिक खोलने के लिए फंड इकट्ठा करने लगे। इस दौरान मंडेला ने बुरुंडियन में हो रहे सिविल वॉर में मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। इट विल फॉरएवर रिमेन एन इनडेलिबल ब्लाइट ऑन ह्यूमन हिस्ट्री दैट द अपार्टेड क्राइम एवर ऑकर्ड। इट विल फॉरएवर रिमेन एन एक्यूजेशन and a challenge to all men and women of conscience that it took as long as it has before all of us stood up to say enough is enough. 83 साल के हो चुके नेल्सन मंडेला को बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया था। 2001 में मालूम चला कि मंडेला को प्रोस्टेट कैंसर है। उनका इलाज हुआ लेकिन उम्र ने मंडेला को अब घर में रहने पर मजबूर कर दिया था। 2004 में नेल्सन मंडेला ने सार्वजनिक जीवन से भी संन्यास की घोषणा करते हुए अपने जन्म स्थान कुनु त्रांसकेई लौटने का फैसला किया। इसके बाद आखिरी बार वो 2010 में दक्षिण अफ्रीका में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में दिखाई दिए। बीमार होने के बावजूद वो गरीब बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए घर से बाहर निकलते थे। इसके अलावा एड्स जागरूकता के लिए भी वो काम करते रहे, क्योंकि एड्स की वजह से ही 2005 में उन्होंने अपना बेटा खोया था। Comrades and friends, welcome to this great event. We are enjoying a wonderful concert here in Cape Town this evening. The 466-64 concert. 466-64 is a vital campaign to help fight a tragedy of unprecedented proportions that is claiming more lives than the sum total of all wars, famines and floods.
is no longer just a disease. It is a human rights issue. नेल्सन मंडेला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के हीरो नहीं थे बल्कि दुनिया हमेशा उन्हें रंगभेद के लिए लड़ने वाले सुपर हीरो की तरह याद करेगी। उनकी जिंदगी में उन्हें दुनिया भर में कई खिताबों से नवाजा गया, जिसमें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ कैनेडा, लेनिन पीस प्राइज, निशान ए पाकिस्तान और भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न का भी खिताब दिया गया। That I have been named to receive the most prestigious award for peace was a deeply humbling experience. मंडेला एक ऐसा इंसान, एक ऐसा नाम जो लड़ने का जज्बा देता है, साहस देता है, एक नाम जो शांति और आजादी का प्रतीक बन चुका है, जो हमें प्रेरणा देता है बुराइयों से लड़ने की और एक बेहतर कल बनाने की और पाने की। इसीलिए 10 मई को नेल्सन मंडेला के जन्मदिन को दुनिया भर में मंडेला डे के तौर पर मनाया जाता है। The very right to be human is denied every day to hundreds of millions of people as a result of poverty and the unavailability of basic necessities such as food, jobs, water and shelter, education, healthcare and a healthy environment. यही है नेल्सन रोहिल्हाला मंडेला की कहानी, वो कहानी जो आने वाली न जाने कितनी सदियों को प्रेरणा देगी। मंडेला को कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे यूं ही मुस्कुराते हुए।